सुबह सुबह गोले के साथ भटकने के बाद जब मैं घर पहुंचता हूँ तो पता चलता है कि जीजू आए हुए हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ जीजू के लिए पिज्जा बनाने का डिसाइड तो कर लेता हूँ, लेकिन घर में पिज्जा बनाने का कुछ सामान ही नहीं होता। तो मैं चल देता हूँ पिज्जा का सामान लेने के लिए मार्केट की ओर। जब मैं मार्केट में होता हूँ तो मेरे पापा का फोन आता है कि साथ में मिठाई भी लेते आना। मिठाई लेने के बाद मैं घर आता हूँ और पिज्जा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। बेटा इतना पिज्जा बर्गर खाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन दादाजी आप तो बिना पिज्जा बर्गर खाए। पिज्जा बनाने के बाद और खिलाने के बाद मैं चल देता हूँ जीजू को स्टेशन छोड़ने के लिए। स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। आधा घंटा इंतजार करते करते मैं पूरे स्टेशन में घूमता हूँ और बारिश की जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसका आनंद लेता हूँ। आधा घंटा इंतजार करने के बाद ट्रेन स्टेशन में आती है और वहाँ पे अचानक से भीड़ भी बढ़ जाती है। जीजू को ट्रेन में बैठाने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और चल देता हूँ घर की ओर। पहले तो मैं वहाँ ट्रेन के जाने का इंतजार करता हूँ, लेकिन जब काफी देर तक ट्रेन वहाँ से नहीं जाती है तो मैं निकल लेता हूँ। घर जाता हूँ तो मैं रिक्शा से नहीं पैदल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पैदल चलना काफी पसंद है। काफी देर पैदल चलने के बाद मैं घर पहुँच जाता हूँ। चलो व्लॉग यहीं खत्म। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।